हाय एवरीवन, वेरी वॉम वेलकम टू यूट्यूब चैनल कुक विद कैलोरीज। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर लबाबदार की रेसिपी। और ये पनीर लबाबदार बहुत ही लो कैलोरी है, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी मैनर में इसको कुक किया जाएगा, लेकिन फिर भी कहीं से भी टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। पनीर लबाबदार जो मैं आपको बता रही हूँ, इसकी वन सर्विंग में सिर्फ 275 कैलोरीज़ हैं और ये टोटल पनीर लबाबदार इज़ गोना सर्व टू पीपल। टोटल पनीर लबाबदार में हमारे पास 550 कैलोरीज़ हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अच्छे से सब कुछ लिखा हुआ भी दिख जाएगा। पनीर को बनाने के लिए मैंने ये सब इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। सबसे पहले पनीर लबाबदार बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट चाहिए होता है, वो डेफिनेटली हमें पनीर चाहिए होता है। तो 100 ग्राम पनीर मैंने घर का बना हुआ लिया है, गाय के दूध का। अदरक ली है 5 ग्राम, लहसुन लिया है 10 ग्राम, अनियन लिया है 100 ग्राम, टमाटर लिए हैं 150 ग्राम। इन्हें मैंने रफली चॉप कर लिया है। सबसे पहले पीतल की कढ़ाई में मैं एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल ऐड कर रही हूँ। पहले मैं सिर्फ 1/2 टेबल स्पून ही ऐड करूँगी। कोकोनट ऑयल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, रिफाइंड ऑयल्स का मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ। 2 इलायची ली है मैंने, 4-5 मैंने काली मिर्च ली है खड़े मसालों के लिए। आप चाहें तो इसमें ज़रा सा जीरा भी ऐड कर सकते हैं। 1/2 मिनट भूनने के बाद मैं यहाँ पर लहसुन और अदरक को ऐड कर रही हूँ। 2 से 3 मिनट के लिए हम अदरक और लहसुन को सिम से मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। हमें इन्हें ब्राउन नहीं करना है, लेकिन एक हल्का सा लाइट गोल्ड कलर हमें चाहिए है ताकि इनका कच्चापन जो है वो चला जाए। फिर हम यहाँ पर अनियंस को ऐड कर रहे हैं। प्याज भूनने में हमें यहाँ पर लगभग 15 मिनट लग जाएंगे, 10 मिनट में भी भून सकते हैं, मीडियम फ्लेम पर आप रखेंगे। बीच बीच में आप हर 2-1 मिनट बाद करछी को ज़रूर चलाते रहें। जब आपके प्याज ट्रांसल्यूसेंट से हो जाए, हल्का सा ब्राउन शेड, गोल्डन ब्राउन शेड आने लग जाए, तब आप ऐड करेंगे टमाटोज़ को। टमाटर मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। फिर अच्छे से एक बार हम मिक्स कर लेंगे। आप इसी स्टेज पर साथ ही में काजू भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर काजू ऐड करना भूल गई थी, तो मैंने बाद में ऐड किया था, बट टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं आता उससे। अब मैं 1.5 टीस्पून सेंधा नमक ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करेंगे। 1/2 टू 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड की है। 1/2 टीस्पून मैं यहाँ पर गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड किया है मैंने। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड किया है। अच्छे से अब हम मसालों को इसमें मिक्स कर लेंगे। क्योंकि हमने तेल का बहुत ही कम इस्तेमाल किया है, तो मसाला भूनते टाइम आपको ज़रूर ध्यान रखना होगा। आप ज़रा ज़रा सा पानी ऐड कर सकते हैं ताकि आपका मसाला और कढ़ाई जो है वो जले ना, और आपको अच्छे से कॉन्टीन्यूसली बीच बीच में मिक्स करना ज़रूरी है। एक बार हमने ये ज़रा सा जो पानी ऐड किया है, लगभग 1/4 कप होगा, इसके बाद में हम ढक करके रख देंगे मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद जब हम खोलेंगे तो कुछ इस तरह का दिखेगा। आप चाहें तो बीच में करछी भी चला सकते हैं। जब हमने ढक करके रखा है तो बीच में खोल के आप करछी चला सकते हैं। फिर अब इस मसाले को हम ठंडा होने के बाद में 5-10 मिनट लग जाते हैं, उसके बाद में हम इसे पीस लेंगे। हमें इसे दरदरा पीसना है। आप चाहें तो बिल्कुल फाइन भी पीस सकते हैं, अगर आपको ज़रा सा भी दरदरा वाला टुकड़ा वाला चीज़ पसंद नहीं आता तो। साथ ही में मैंने इसी में 3 काजू ऐड कर लिए थे पीसते टाइम। अब मैंने साफ़ कढ़ाई ली है, जिसमें मैंने 2 टीस्पून गाय का देसी घी डाला है। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून ऐड की है, और साथ ही में मैंने मसाला ऐड कर दिया है। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करते ही बहुत अच्छा रेड कलर आ जाता है, और साथ ही आपको अपना जो ग्रेवी मसाला आपने बनाया था वो ऐड करना है। अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके बाद में जो जिस जार में मसाला पीसा था ना, उसमें थोड़ा सा 1/4 कप या फिर 1/2 कप पानी अंदाजे से आप ले सकते हैं, उसको ऐड करें, फिर आप इस ग्रेवी में डालें।
ढक करके रख दें 2-4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर, और बीच में करछी चलाएं अगर ज़रूरत लगती है तो। और फिर जब आप ढक्कन खोल करके देखेंगे तो ग्रेवी कुछ इस तरीके से आपकी दिख रही होगी। इस टाइम पर हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून शुगर का, इससे सारे फ्लेवर्स बैलेंस आउट हो जाते हैं। 1/2 to 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने कसूरी मेथी ऐड की है, जिससे कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले को हम अच्छे से 2-3 मिनट के लिए और पकाएंगे। फिर हम लास्ट में जब बिल्कुल मसाला तैयार है उस टाइम पर ऐड करेंगे हम 1 चम्मच मलाई का। अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे और इसके बाद में फिर हम ऐड करेंगे अपने पनीर के पीसेस को। एक बार जब हम मलाई डाल देते हैं और जब पनीर ऐड कर देते हैं तब हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, ये बिल्कुल लास्ट के स्टेप्स हैं। अगर आपको ये पनीर लबाबदार पहले से ही बना करके रखना है, सर्व बाद में करना है जब मेहमान आएंगे, तो आप ग्रेवी बना करके रख लीजिएगा, बट मलाई और पनीर आप तभी गर्म करते हुए ऐड कीजिएगा। पनीर को 3 मिनट से ज़्यादा कुक नहीं करना चाहिए, अदरवाइज़ वो हार्ड हो जाता है, च्यूई हो जाता है, उसकी जो सॉफ्टनेस है ना वो चली जाती है। तो बस पनीर को ऐड करने के बाद 2-3 मिनट के लिए गर्म किया है, इतने में धनिया ताज़ा कटा हुआ ऐड कर लिया है। अच्छे से एक बार मिक्स कर देंगे केयरफुली, ताकि पनीर के पीसेस टूटे ना। फिर अब हम उसे डाल देंगे अपनी सर्विंग डिश में और गार्निश कर लेंगे थोड़े से धनिया के साथ में। और जो मलाई मैंने 1 चम्मच ली थी उसमें से ज़रा सी बचा ली थी, और उसी मलाई की मदद से मैंने फिर इसे गार्निश भी कर लिया है। दिखने में आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल वाला जो पनीर लबाबदार का टेस्ट है वो आ जाता है। प्लस ये इतनी हाई प्रोटीन हेल्दी डिश है, आप रोज़ाना इसको अपने खाने में ऐड कर सकते हैं। आपका मसल गेन होगा, आपका फैट लूज होगा, अगर आप क्वांटिटीज में अपने कैलोरी लिमिट में अपने फूड को खाते हैं तो। सिर्फ और सिर्फ 550 कैलोरीज में ये टोटल रेसिपी आपकी बन करके तैयार हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मैं मिलूंगी आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल कुक विद कैलोरीज। ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम @look_gorgeous_vartika टू स्टे कनेक्टेड विद मी।